स्वागत है आप सबका। ये पहला सेमीफाइनल मैच है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 का। मैच है ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमन। वेन्यू रहेगा बेसिन रिजर्व विलिंगटन। मैच टाइमिंग रात के 3:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे परसों के दिन 27 मार्च को बांग्लादेश वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी यहाँ पे बेसिन रिजर्व विलिंगटन किस तरह से आपको दिखेगी। जब यहाँ पे लास्ट टाइम मैच होता ना परसों के दिन 27 मार्च को मैच था, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो इंग्लैंड वुमन वर्सेस बांग्लादेश का, तब की दोस्तों पिच की फोटो आप देख सकते हो। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, जब यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था ना 27 मार्च को, तब दोस्तों पिच ना थर्ड टाइम यूज पिच थी, तब भी आप देखो इस पिच के ऊपर ग्रास प्रेजेंट थी। अब आपको ध्यान देना है इस मैच के अंदर ना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, तो यहाँ पे न्यू और फ्रेश पिच का इस्तेमाल करा जाएगा। तब देखो दोस्तों पिच कैसी दिखेगी, आपको दिखाता हूँ मैं फोटो। ये देख रहे हो दोस्तों आप, जो पिच होगी ना इस तरह से दिखेगी। जब भी यहाँ पे पहला मैच इस वेन्यू के ऊपर होता है ना, फर्स्ट टाइम पिच के ऊपर मैच होता है, तब दोस्तों पिच के ऊपर ऐसी ग्रास प्रेजेंट रहती है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रास रहती है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे पेसर्स को नई गेंद से मदद मिलेगी, हल्का सा दोस्तों पे स्विंग देखने को मिलता है, पिच के अंदर अच्छी खासी गति है। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों पे मैच के टाइम पे ना ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ दोस्तों वेदर फोरकास्ट की तरफ। तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो आप, ये मैच ना वहाँ पर 11 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ पे, बेसिन रिजर्व विलिंगटन के ऊपर। अपने यहाँ पे रात के बज रहेंगे 3:30। आपको बता अपन दोस्तों न्यूजीलैंड से बहुत पीछे हैं, 7 घंटे ऐसे कुछ पीछे हैं अपन। तब देखो वहाँ पे 11 बजे ना शावर्स है मैच टाइम के ऊपर। तो अब एक और चीज़ ध्यान देनी है, जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे मैच आगे बढ़ेगा ना 12 बजे वहाँ पे भी शावर्स है, फिर 1 बजे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी, फिर बाद में दोस्तों वेदर कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो पहली पारी के अंदर ना यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी, जो भी टीम टॉस जीतेगी वहाँ पे दोस्तों गेंदबाजी करना पसंद करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस पिच के अंदर देखो दोस्तों कैसा बाउंस देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा बाउंस विलिंगटन के ऊपर देखने को मिलता है। अपन कंपेयर करते हैं ओटागो के पिच से, हैमिल्टन की पिच से जो है ना, हैमिल्टन की सडन पार्क, फिर माउंट मंगोनी बे ओवल की जहाँ पे आज के दिन मैच हुआ था नेदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच था। तो आप समझ सकते हो बॉल सबसे ज़्यादा बाउंस लेती है इस वेन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों बाउंसी पिच रहती है। बाउंड्री डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सामने की बाउंड्री 72 मीटर है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। वहीं जो स्क्वायर बाउंड्री है ना, एक तरफ 67 एक तरफ 63 मीटर है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों बहुत बढ़िया मैदान है, सामने की बाउंड्री थोड़ी लंबी रहती है। स्टेडियम का व्यू देखना, बहुत ही खूबसूरत है स्टेडियम, देखो आप दोस्तों बहुत प्यारा स्टेडियम है बेसिन रिजर्व विलिंगटन। चलते हैं स्टैट्स की तरफ, ये तो मैंने आपको इधर फोकस दिखाई दिया। अब देखो स्वैनी के ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया वुमन का एक गढ़ है, गढ़ कैसे कह सकता हूँ, यहाँ पे दोस्तों 4 मैच खेली, 4 जीती है उन्होंने दोस्तों, अपने इस वेन्यू को एकदम फेवरेट वेन्यू बना लिया है। वेस्ट इंडीज 1 मैच खेली है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेली थी, हारी थी वो मैच। जो टीम बैट फर्स्ट करी है 3 मैच जीती है स्वैनी के ऊपर, जो टीम चेस करी है 6 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 9 गेम्स। तो यहाँ पे वही सिंपल फॉर्मूला है, टॉस जीतो गेंदबाजी करो टारगेट को चेस करो। औसतन स्कोर 220 से 280। लास्ट 9 मैच में यहाँ पे क्या हुआ है, पेसर्स ने निकाले 50 विकेट, ठीक है, पहली बारी में 24 है, दूसरी बारी के अंदर 26 है। राइट आर्म पेसर्स के 45 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर का 5 विकेट है। बात करते हैं यहाँ पे स्पिनर्स का, तो लास्ट 9 मैच के अंदर स्पिनर्स के 65 विकेट है, पहली बारी के अंदर 41 विकेट्स हैं, दूसरी बारी के अंदर 24 विकेट है। ऑफ स्पिनर्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 38 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 15 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 12 विकेट है। जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था परसों की बात है, उस मैच में दोस्तों 3 टाइम यूज पिच थी, थर्ड टाइम आप समझते हो ना, एक बार मैच हुआ, फिर एक बार हुआ, फिर एक और बार हुआ, 3 टाइम यूज पिच थी, दैट्स वहाँ पे स्पिनर्स चमके थे। 27 मार्च का मैच था बांग्लादेश और इंग्लैंड का, 8 वहाँ पे देखो आप 3 विकेट पेसर के और 10 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। सनी दोस्तों वेदर होना चाहिए था, मैंने आपको दिखाया था जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा। और न्यूज़ की बात करते हैं, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, कितनी देर से वीडियो बनाने बैठा हूँ यहाँ पे, 3:30 बजे से वीडियो 4 बजे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि गले में दोस्तों खराश थी, लेकिन मैं बार बार रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कोई 30-40 बार रिकॉर्ड कर दिया होगा वीडियो, फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से दोस्तों काट रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है। न्यूज़ की बात करते हैं, एलायस पेरी दोस्तों यहाँ पे इंजर्ड है और ये अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। एलायस पेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम की। वेस्ट इंडीज़ के अंदर एफी फ्लेचर कोविड पॉजिटिव पाई गई है, ये भी अवेलेबल नहीं है। दोनों टीम्स ने लास्ट 5 साल के अंदर 5 मैच खेले, 5 ऑस्ट्रेलिया जीत दी है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्या करना चाहिए था, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी देके भेज देना चाहिए था और सेकंड पोजीशन के ऊपर दोस्तों फाइट कर सकते थे। ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया वुमन, वन ऑफ द बेस्ट टीम।
एसएलए की बात करते हैं, ओपन करेंगे रेचल हैनेस, यहाँ पे वन डाउन है, मतलब इनके साथ ओपन करती है मैग लेनिंग वन डाउन आई मीन, फिर बेथ मोनी टू डाउन, तलिया मगराथ, एशली गार्डनर, एनेबल सदरलैंड, जय जेनसन, एलना किंग, मैगन शाओ, डार्सी ब्राउन। चलेंगे अपन किसकी तरफ, वेस्ट इंडीज जोन की तरफ, डिनर डॉट इन ओपन करेंगे, हैली मैथ्यू, स्टेफनी टेलर, शमाइना कैम्बल, चेडन नेशन, कैशियन नाइट, हेनरी, अनिशा महमूद, करिश्मा रहमक, शकेरा शर्मन, शमिला कॉनेल। चलते हैं दोस्तों आप एक इसकी तरफ, जब दोनों टीम आमना सामना करती है तो क्या होता है हेड टू हेड मैचेस के अंदर, ये देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं यहाँ पे। जब हैली जी ना खेलती हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, नौ मैच खेले 37 की औसत है, 260 रन आप देख सकते हैं, साफ साफ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, दोबारा पॉइंट आउट करता हूँ, ये देखो आप बैट फर्स्ट 1-1, 122-58, चेस के ऊपर 14-61। याद होगा दोस्तों आपको, मैंने लास्ट टाइम एक मैचअप डिस्कस करा था, हैली मैथ्यूज वर्सेस अलाइस हैली, बहुत बड़ा मैचअप है वो, फिर से हुआ था उस मैच के अंदर लास्ट वाले में। रन चैलेंज का 6 मैच में 188 रन है, 38 की औसत है, बैट फर्स्ट 52-0-13, जिसके ऊपर 21-19 लास्ट टाइम 83 नॉट आउट कराया था। बहुत अच्छी प्लेयर है, टेक्निकल साउंड बैटर है, डोमेस्टिक के अंदर न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलती है, बहुत रन बनाती है। मैग लेनिंग का 10 मैच में 70 की औसत है, 558 रन, लेजेंडरी प्लेयर है, बैट फर्स्ट 64 की औसत है, 4 मैच में 258 रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बैट सेकंड के अंदर 6 मैच में 300 रन है, 75 की औसत है। लास्ट टाइम बहुत सस्ते में आउट हुई थी आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है हेनरी थी शायद बॉलर या कॉनेल। अब देखो यहाँ पे बेथ मुनी 5 मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 84 की औसत है, 169 रन है, बैट फर्स्ट 15-56 नाबाद, चेस के ऊपर 70-28 नाबाद। गार्डनर आएंगे यहाँ पे, जब गार्डनर खेलते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो इनके हैं 5 मैच 7 विकेट, 59 रन है, बैट फर्स्ट 257 नॉट आउट है। पहली पारी के अंदर 3 मैच में 5 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 2 मैच में 2 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लग गई है। तलिया मगराथ का 0 विकेट है बॉल फर्स्ट। एनेबल सदरलैंड की बात करते हैं, इन्होंने भी खेला था हेड टू हेड मैच, उसके अंदर ये क्या कर रही थी, चेस कर रही थी एनेबल सदरलैंड, पर इनको बैट करने का मौका ही नहीं मिला। जय जेनसन 9 मैच 11 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 8, बॉल सेकंड 4 मैच में 3 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लग गई है। एलना किंग की बात करते हैं, 0 विकेट है बॉल फर्स्ट, जब ये लास्ट हेड टू हेड खेली थी तब, मैगन शॉट का 10 मैच में 17 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है, बॉल फर्स्ट 9 मैच में 5 मैच में 9 विकेट है, बॉल सेकंड 5 मैचों में 8 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लग गई है। डार्सी ब्राउन इस टीम के खिलाफ नहीं खेली है दोस्तों, बहुत खास गेंदबाज, लाइन लेंथ कंसिस्टेंट है इनकी, और नई गेंद से भाई साहब हरकत करती है। स्टार्टिंग ओवर मैगन शाउट, डार्सी ब्राउन। चलेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे डेथ ओवर के अंदर मैगन शाउट, तलिया मगराज, जय जेनसन, एलना किंग का भी यहाँ पे रोल बढ़ सकता है। वेस्ट इंडीज जोन की बात करते हैं, जब डिनर डॉट इन खेलते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमन तो खेले उन्होंने 9 मैच, 29 की औसत है, 257 रन, 5 विकेट है, बैट फर्स्ट 31 की औसत है, 5 मैच में 154 रन है, बैट सेकंड के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 26 की औसत है, 4 मैच में 103 रन है। और हैली मैथ्यूज ये अच्छे स्टैट्स हैं, 6 मैच 287 रन से 4 विकेट है, बैट फर्स्ट 55-60, 46-0 लास्ट टाइम 0 पे आउट हुई थी बैट फर्स्ट करते हुए, गेंदबाज थी लाइस पेरी, इस मैच में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल होती ना तो भी इस मैच में लाइस पेरी गेंदबाजी नहीं करती एज पर द रिपोर्ट्स, ऐसा आया था। बैट सेकंड 89-37 है, और ये ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर WNCL खेल चुकी हैं तो इनको एक्सपीरियंस है, बिग बैश लीग खेलते हैं, WNCL खेलते हैं, WNCL मतलब होता है इनकी जो डोमेस्टिक 50 ओवर के मैचेस होते हैं ना वो भी खेल चुकी हैं बहुत पहले, तो उनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे किस तरह से प्लेयर्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के। काइशा इनका देखो बॉल फर्स्ट 2 मैच में 3 विकेट है, हैली मैथ्यूज का बॉल सेकंड के अंदर इनका यहाँ पर 4 मैच में 1 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेट लग गई है। काइशा नेट का 7 मैच में 122 रन है, और लास्ट टाइम पहली बॉल पे आउट हुई थी डक पे, इनसाइड एज लगा था कीपर के हाथ में गेंद गई थी, बैट फर्स्ट 14-40-0, चेस के ऊपर 17-45। स्टेफनी डेलर 11 मैच 357 रन, 36 की औसत है, 12 विकेट हैं, बैट फर्स्ट के अंदर इसका 6 मैच में 224 रन, 37 की औसत है, यहाँ पर सेकंड इनिंग्स के अंदर 5 मैच के अंदर 133 रन, 33 की औसत है, और ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, ये लीजेंडरी प्लेयर मानी जाती है वेस्ट इंडीज़ की। अपन देखते हैं ऑल टाइम, कैम्बेल का 6 मैच में 80 रन है, बैट फर्स्ट 0-14-12 नाबाद, 20 कीपिंग कर दी है, चेस के ऊपर 11-23 है, चेडन नेशन का 39-0 है, हेनरी के यहाँ पे 4 हेड टू हेड मैचेस के अंदर 69 रन और 3 विकेट, अच्छा परफॉर्मेंस देती है बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ। अनिशा महमूद का 10 मैच में 7 विकेट है, अनिशा महमूद ना सिर्फ 2 टीम के खिलाफ आज तक कभी नहीं चली है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका, ये 2 टीम्स हैं जिनके खिलाफ इनका बहुत ही खराब स्टैट्स होते हैं और टीम्स के सामने अच्छी गेंदबाजी कर लेती हैं। बॉल फर्स्ट 6 मैच में 5 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 2, 4 मैच के अंदर विकेट लग गई है। सेलमन का 5 मैच में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 2 मैच में सीधा 3 विकेट है, बॉल सेकंड में कोई खास स्टैट्स नहीं है, 2 मैच में 0 विकेट है। कॉनेल का 9 मैच में 3, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉल सेकंड 5 मैचों में मात्र 1 विकेट है। करिश्मा रहमक का 2 मैचेस में 0 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे कॉनेल, हेनरी, डेथर के अंदर हैली मैथ्यूज हैं, सकीरा सेलमन इस मैच में खेलेंगे तो डालेंगे, वरना हेनरी भी डेथर में आती हैं।
चलेंगे वेंडी स्टार्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पे चार मैच खेली इस साल, इसी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर चारों जीती है। हैली 15 बैट फर्स्ट, 3 चेस के ऊपर, 5 चेस के ऊपर, 15 चेस के ऊपर है। रह चैलेंजेस 30 बैट फर्स्ट, 83 नॉट आउट चेस, 17 चेस, 7 चेस। मैगलेनिंग का 5 बैट फर्स्ट, 0 चेस के ऊपर, 135 ना बाद चेस के ऊपर, 0 यहाँ पे चेस के ऊपर है। जो आया था बांग्लादेश के खिलाफ, सलमा खातून ने बोल रहा था उनके बर्थडे के दिन, मैगलेनिंग का बर्थडे था उस दिन। गार्डनर की बात करते हैं, 48 नॉट आउट प्लस 2 विकेट था। टीम थी उस टाइम ये न्यूजीलैंड, उसके बाद 3 विकेट निकाला, टीम थी वेस्ट इंडीज़, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। फिर यहाँ पे 1 विकेट 22 रन था, फिर यहाँ पे 2 विकेट प्लस 13 रन था। अच्छी प्लेयर है नेशले गार्डनर। दिलिया मगराज 57 रन 1 विकेट है, 0 विकेट, 32 रन 3 रन। एलेबन सदरन यहाँ पे दो मैच के लिए दोनों में छाई हैं, 1-1 विकेट है, 22 रन 26 रन है। और आजकल ये बॉलिंग ज़्यादा करी है कंपेयर टू दिलिया मगराज। जस एंडरसन का यहाँ पे 3 मैचेस में 5 विकेट है। एनला किंग यहाँ पे 4 मैचों में मात्र 1 विकेट है, एक बार तो बॉलिंग ही नहीं करी। मैगन शॉट का 4 में 4, डार्सी ब्राउन का यहाँ पे 2 मैच में 3 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे अपन वेस्ट इंडीज़, उनकी तरफ। ये एक ही मैच खेली थी, और खेली थी ऑस्ट्रेलिया वुमन के खिलाफ, उसके अंदर डॉटी ने करे थे 16 बैट फर्स्ट में। एली मैथ्यूज ने 0 करा था, 1 विकेट निकाला। काइशन नाइट ने 5 करा था, टेलर ने 50 करा था यहाँ पे, कैम्बेल ने यहाँ पे करे थे 20 बैट फर्स्ट, चटन नेशन ने करा था 0, हेनरी ने करा था दोस्तों यहाँ पर 10। आई थिंक ये काइशन नाइट का 0 आएगा दोस्तों, उसको करेक्ट कर लेना आप, 0 पे आउट ही थे ना लास्ट टाइम, इसको दोस्तों करेक्ट कर लेंगे अपन, अभी कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कभी कभी मिसटाइप हो जाता है एक वर्ड बाई चांस, उसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे याद आ जाते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अपन दोस्तों पूरा मैच देखते हैं। ऐसा नहीं कि अपन मैच ना देख के बस स्टैट्स निकाल रहे हैं, मैच देखते हैं। इनसाइड एज लगा था, वो गेंद थी, मेरे को अभी भी याद है। फिर देखो यहाँ पे स्टेफनी डेलर 50 है, कैम्बेल का 20 था यहाँ पे, कैम्बेल का, शमाइने का, चैटन नेशन का 0, हेनरी का 10 रन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 विकेट था। और यहाँ पे ना याद होगा आपको, वेस्ट इंडीज वुमन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमन का मैच था, वो सिर्फ 10 ओवर तक चला था, फिर बारिश आ गई थी, फिर मैच गया था नो रिजल्ट के अंदर, याद है ना आपको। तब क्या हुआ था, हेनरी ने उस टाइम 3 विकेट निकाला था, पूरा मैच नहीं हुआ था। एफ ए फ्लेचर यहाँ पे नहीं खेली, करिश्मा रहमान का 0 विकेट है बॉल सेकंड। कॉनल ने भी उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 विकेट निकाला बॉल सेकंड, और 1 विकेट इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाला, जो 10 ओवर का ही मैच हुआ था मात्र। सेलमन का 0 विकेट है। बात करेंगे मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैस अली का मैचअप है यहाँ पे हैली मैथ्यूज के सामने। आप देखो 7 पारी, 5 दफा आउट हुई है, 30 गेंद में 22 रन। लास्ट टाइम भी इन्होंने आउट करा था एली मैथ्यूज ने, कॉट एंड बोल। स्टेफनी डेलर ने भी आउट करा 2 बार, 52 गेंद के अंदर 77 रन देंगे। हेनरी ने भी 2 बार आउट करा, 47 गेंद के अंदर 62 रन देंगे। रैचल एंडर्स का कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। मैगलेनिंग वर्सेस कॉनल 49 गेंद 37 रन, 2 बार आउट करा है। गार्डनर वर्सेस स्टेफनी टेलर 5 गेंद 5 रन, 2 बार आउट करा, अच्छा मैचअप है। पैरी अवेलेबल नहीं है। बेत मोनी दोस्तों यहाँ पर हेनरी के सामने 2 बार आउट हुई है 28 गेंद में 26 रन बना के। तेलिया मगराज लास्ट टाइम आउट नहीं हुई थी तो उनका मैचअप आएगा ही नहीं। डिनर डॉटिन वर्सेस पैरी, पर पैरी अवेलेबल नहीं है, वो भी दोस्तों चिंता की बात है। नई गेंद से कौन स्ट्राइक करेगा, मैगन शाउट हो गई, डार्सी ब्राउन हो गए, दोनों को स्पॉट ऑन रहना पड़ेगा, वरना डॉटिन एक बार टिक गई, हेली मैथ्यूज टिक गई तो भाई साहब मैच ये पकड़ के लेके जा सकते हैं इजीली। एनला किंग ने 8 गेंद में 1 रन देकर 2 बार आउट करा डॉटिन को। हैली मैथ्यूज का किसी के सामने कोई बड़ा मैचअप नहीं, सबके सामने 1-1 बार आउट हुई है। स्टेफनी डेलर का मैचअप है जस जेनसन के सामने, 80 गेंद 60 रन, 2 बार आउट हुई है। गार्डनर के सामने 84 गेंद 42 रन, 2 बार आउट हुई है। ग्रेस हैरिस ने भी 2 बार आउट करा। कैम्बेल वर्सेस गार्डनर बोल रहा था लास्ट टाइम, डाल रही थी ऑफ स्पिन, आम बॉल डाली तो लेग स्पिन के मतलब ऑफ स्पिन के बदले सीधा बॉल ऐसे एंगल से गई थी, राउंड द विकेट से बॉलिंग करी थी इस साइड से, दैट्स वाई शी गॉट दैट एंगल। फिर यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कॉमन कैप्टन की। आई थिंक दोस्तों चैटन नेशन को बोल रहा था, अगर आपके होते हो गार्डनर ने कॉमन कैप्टन मैगलेनिंग, एलेस मैथ्यूज दिखेंगे आपको, हैली मैथ्यूज आई मीन। बड़ी लिस्ट में बनाओ, हैली मैथ्यूज, मैगलेनिंग, गार्डनर, रेचल हैनिस अलग जाना, जस जॉनसन, स्टेफनी टेलर, डिनर डॉटिन। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, टीम्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कैप्टन हैली मैथ्यूज, वाइस कैप्टन मैगलेनिंग है, और यहाँ पे हैली हैं, टेलर है, डॉटिन है, हैनिस है, गार्डनर, करिश्मा रहमान का क्रेडिट सेवर के तौर पर लिया है। और मुझे लग रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया फिर से यहाँ पे जल्दी स्ट्राइक कर सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करती है तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। जो भी टीम जीतेगी टॉस, वो दोस्तों गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि पिच ही दोस्तों ऐसी होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर, कवर्स के अंदर पिच होगी, पिच के अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, इससे बॉल दोस्तों एक्स्ट्रा बाउंस लेती है और कई बार तेजी से आती है बैट के ऊपर। हैली मैथ्यूज मतलब यहाँ पे इनको मैं आउट कर सकती है एली को, जैसा अपने दोस्तों मैचअप में देखा था, तो एलेस एली को संभल के खेलना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्लेयर है, एक बार स्टार्ट लीजिए रुकती नहीं है। फिर आएंगे यहाँ पे कैम्बेल, आपके ऊपर निर्भर करेगा, थोड़ी रिस्की प्लेयर है। मैगलेनिंग इंपॉर्टेंट, डॉटिन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी, गेंदबाजी भी कर सकती है, बड़ा मैच है, हैनेस दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्टेफनी टेलर एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन आजकल बॉलिंग थोड़ी कम करती है, विद द बैट परफॉर्मेंस दे सकती है, आजकल वन डाउन बैट कर रही है, दैट्स द रीजन यू कैन प्रीफर हर। बेट मोनी
अगर आपको लगता है टॉप ऑर्डर में से कोई जल्दी जा सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है और गलती से इनका टॉप ऑर्डर जल्दी से ओवरकास्ट कंडीशंस में ध्वस्त हो जाता है, तो भाई यहाँ पे बेथ होनी काम करके जा सकती हैं। हैली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गार्डनर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी। हेनरी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छे स्टैट्स होते हैं आमतौर पर। तलिया मगराब गेंदबाजी खैर कम कर रही हैं पर अच्छी बैटर है, पैरी अवेलेबल नहीं है। चलेंगे यहाँ पर जैसन हसन इंपॉर्टेंट, फैफी फ्लेचर नहीं है, लकिंग दोस्तों आजकल वो फॉर्म नहीं है। आप देखो स्टार्टिंग में बहुत मचा रही थी मतलब धमाल, फिर बाद में इनका वो परफॉर्मेंस नहीं आया, लोड का ही नहीं हो रहा है ये। देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे नेबल स्विट्जरलैंड की, इनको भी आप ग्रैंडिंग में रोटेट कर सकते हो। मैं कहूँगा मैगन शॉट इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, डार्सी ब्राउन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनके पास गति है, बड़े बड़े प्लेयर्स दोस्तों नचाती हैं कभी कभी अपनी बॉलिंग से, ठीक है। और कॉनेल एक ऐसी प्लेयर है जो थोड़ा फॉर्म में ठीक ठाक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आइए दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी, मिलते हैं अगली दफ़ा। और दोस्तों कमेंट करना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे विद फेस वीडियो चाहिए कि नहीं, लैपटॉप के ऊपर मैं वहाँ पे दोस्तों बना सकता हूँ। अभी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है कैसे यहाँ पे OBS स्टूडियोज को वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी, लव यू गाइस, सी सून।